प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ घटना के बाद घटना रही है जो थी प्रियंका रेड्डी हत्या के बाद पूरे देश में एक बार फिर से निर्भया हत्याकांड का मामला जैसा लोगों को जहन में उठ चुका है, पूरे देश में आग दौड़ चुका है। हर व्यक्ति इस बात से समझ नहीं पा रहा कि आखिर देश की महिलाएं बेटियां बच्चियां कब सुरक्षित होंगी। ऐसे में आरा की छात्रा जो है महिला कॉलेज छात्रा सड़कों पर उतर चुकी है, विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में वहां के एक मंत्री का पुतला फूंका गया है। आइए जानते हैं कि क्या है लोगों की अमानसिकता और यहां पर भी प्रदर्शन के दौरान कई बार लोगों के साथ झड़प देखने को मिला क्योंकि ये आरा की धरती है, भोजपुर की धरती है, वीरों की धरती है, लेकिन लगता कि यहाँ पर कुछ तथा कथित लोग ऐसे हैं जो इस वीरता को भी धूमिल करना चाहते हैं। यहाँ लगातार पीछे हॉर्न बजाया जा रहा है, कोई साइकिल लेकर लड़कियों को पर धक्का मुक्की करते हुए गुजर रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठाता है लोगों के मानसिकता पर किस प्रकार से यदि घटना होता है तो लोगों का साथ देना चाहिए। ये छात्राएं पढ़ने आती हैं लेकिन आज सड़कों पर क्यों उतरी, आइए जानते हैं उन छात्राओं से इस सड़कों पर क्यों विरोध प्रदर्शन हैदराबाद की प्रशासन कितनी कमजोर है कि प्रियंका रेड्डी के साथ अगर ऐसा हो गया तो वहाँ की और बेटियाँ कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो हमारे ये वहाँ के प्रशासन को भी जागना होगा और हमारे देश की भी प्रशासन को जाग जाना होगा ताकि आने अभी ये बताया जाए कि पलवी यहाँ पर अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पीछे से वोटिंग हो रहा लगातार, लोग हटाने कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप वीरकुंवर सिंह धरती वीरों की धरती से हैं और यहाँ पर ऐसे कायराना हरकत हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता पर सवाल उठता ही है। बिल्कुल, इनको अपनी सोच और इनके घर में भी माँ बहन होगी लेकिन यहाँ पे इन लड़कियों के साथ जैसे कि अभी एक भाई ने साइकिल से धक्का मुक्की करके और लड़कियों से बहुत बदतमीजी की तरफ पेश आया। हमें शर्म आती है कि ऐसे भी बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पे ऐसे भी हुआ है जिनको अपनी बेटी बहन की तरह हम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने इतना घिनौना हरकत किया। तो हमें आप सब से अपील है कि आप सब भी हमारा साथ दें और आप सब भी हमें सपोर्ट करें ताकि आने वाले समय में कोई भी बहन प्रियंका रेड्डी की तरह न मारी जाए। इसके लिए हमारी सरकार कोई ऐसा कानून लागू करे जिससे हमारे ऊपर देखने वाले जैसे कि अभी एक लड़का ने किया उस दरिंदों की। जब हुआ था पूरा देश सुलग उठा था और कई लोगों को पास पर सजा की बात किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर वेटनरी डॉक्टर उनके साथ हुआ और देश में हर 20 मिनट पर एक बलात्कार की घटना होती है। अभी दिल्ली में भी एक छात्रा जो अनु दुबे नाम की छात्रा लगातार अकेले प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ पर मीडिया के एबीपी के द्वारा वहाँ पर ताल किया गया था और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था, लेकिन धीरे धीरे कारवा बनते का पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, बाद में हटाया गया। लेकिन सवाल हर बार यही उठता, वो लड़की का जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें साफ कहती है कि मुझे किसी से कोई भरोसा नहीं है क्योंकि हमारे देश में जो शासन प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में दफन हो जाती है। बार बार बड़े बड़े संशोधन किए जाते हैं लेकिन नारियों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए केवल लगता है कि सरकार प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संसद राज झंडा फहराने के दौरान, लेकिन कभी भी ये नहीं देखने को मिलता है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे लोगों का हंगामा जारी है और लोग लगातार इस तरीके से बदसलूकी पर उतार हो चुके हैं। जो छात्राएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक बात तो उठता है कि हर कोई चाहता है कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो। ये लड़कियां पढ़ने वाली हैं और ये लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है ताकि हर बेटी बहन को सुरक्षा मिल सके। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो इनको सपोर्ट करना चाहिए वो इनका विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ और छात्राओं से जानते हैं कि क्या है, आप लोग क्या मांग करते हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि जो जिसने प्रियंका जी के साथ ऐसा किया उसे फांसी की सजा दी जाए, उसे जिंदा जला दिया जाए, जैसे उन लोगों ने जैसे उन्हें जलाया है वैसे उन्हें निर्वस्त्र करके उन्हें रोड पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक लिखा है पोर्टफोलियो है कि हमें कोई भी योजना की लाभ नहीं चाहिए, हमारे लिए बस एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे देखने वालों की रूह कांप जाए। वी वांट जस्टिस।
प्रियंका के दोषी को फांसी दो, जानवर की डॉक्टर थी वो लेकिन इंसानों के अंदर छुपे जानवर को नहीं पहचान पाई। इस तरीके के होर्डिंग से आज सब छात्राओं के सामने देखने को मिल रहा है। ये छात्राएं काफी उग्र हैं क्योंकि ये भी पढ़ने आती हैं और इन्हें भी लगता है कि जिस प्रकार यहाँ के लोगों की मानसिकता है कि यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है और लोग पीछे से हॉर्न दे रहे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हटाने के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेटियां बहन अपने आप को भी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। भाई बताया जाए क्या दिक्कत है। और हमें यही कहना है कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना या फिर जो भी हमें योजना की लाभ मिल रहे, हमें 50% आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए हमारा यही आग्रह है, यही विनती है कि कोई एक्ट लागू किया जाए ताकि उन दरिंदों की रूह रूह कांप जाए हमारे ऊपर देखने से पहले। और काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं कि क्या है इस तरीके के मानसिकता के लोगों के प्रति जो हैदराबाद में जो हुआ प्रियंका रेड्डी के साथ आप सब वाकिफ है उससे, लेकिन यहाँ पे फिर से वही होगा, फिर से कंटेनमेंट चलाया जाएगा, फिर लोग सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो फाइल 5 साल तक ऐसी पड़ी रहेगी। और अदर देशों में आप देख रहे हैं सऊदी अरब वगैरह ऐसा होता है, डायरेक्ट उन्हें फांसी से जल्दी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे जस्टिस की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं हमें सीधे सीधे हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पब्लिक है यहाँ पे हॉर्न बजा रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है, ऊपर से ये बोल रहे फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं, वैसे फोटो यहाँ एक देखिए छात्रा है अपने न्याय के, जब यहाँ पर कुछ छात्राएं खड़ी हैं तो तथा कथित लोगों के द्वारा कहना है ये फोटो खिंचाने के लिए खड़ी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है कि वीर कुंवर सिंह की धरती और वीरों की धरती से अपने आप को जोड़ने वाले लोगों के लिए मानसिकता को ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके संकीर्ण मानसिकता ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं आप यहाँ के लोगों को और ये जो छात्राएं हैं ये सबके लिए लड़ रही हैं, हर माँ बहन बेटी के लिए लड़ रही हैं, जो कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये छात्रा कहना है कि 5 साल बाद फिर कोई घटना होता है, कैंडल मार्च निकलता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है और नए नए संशोधन किया जाता है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता है, जबकि वहाँ हैदराबाद के अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर उन्हें न्यायालय से कब दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड के बाद कई लोग ने उसका विरोध प्रदर्शन किया था और पूरा देश चल रहा था उस समय भी आप इन नाराओं के साथ यहाँ पर हम लेते हैं विदा, क्योंकि जिस प्रकार से छात्राएं यहाँ